लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो गई है। इस मिशन के तहत 12 देशों में फंसे करीब 1,93,000 नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। इन 12 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। इन सभी देशों से भारतीयों को एयर इंडिया की विमान से लाया जाएगा और साथ ही अमेरिका में फंसे भारतीयों के लिए 9 मई से 15 मई तक नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू होगी। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि विदेश से लौटने वाले सभी यात्रियों को अपना पूरा किराया देना होगा और लौटने वाले सभी यात्रियों का भारत में मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए बहुत अच्छी पहल है उन लोगों के लिए, थोड़ी राहत की खबर है, जो बाकी देशों में फंसे हुए थे अपने वतन वापस लौटेंगे। हालांकि एक चीज यहां पर गौर करने वाली ये है कि लौटने वाले सभी यात्रियों को अपना किराया खुद वहन करना पड़ेगा। मनीषा, देखिए वंदे भारत जो मिशन चलाया गया है इसके तहत कोरोना के चलते जो भी लोग बाहर देशों में फंसे हुए थे उनको वापस लाया जाएगा। इसके चलते आज 7 मई से इसकी शुरुआत करी गई है, जिसमें प्रथम चरण में जो 12 देश हैं उनसे जो वहां पे फंसे हुए थे उनको लाया जाएगा, जिसमें से अमेरिका भी एक देश है। और इसमें सबसे सबसे खास बात यह है कि इसमें पैसा लिया जा रहा है, जो यात्री आएंगे उसमें अमेरिका से 1,00,000 रुपए, जो अमेरिका से आएंगे उनसे 1,00,000 रुपए, ब्रिटेन से 50,000, बांग्लादेश से अगर कोई दिल्ली जाता है तो उससे 12,000 और अगर कोची जाता है तो उसको 15,000 रुपए पे करने होंगे। जी मनीषा जी, बिल्कुल ऋषभ, देखिए उन लोगों की तरफ से कुछ वीडियोस वगैरह या फिर कुछ ऐसा आया जिसके जरिए साबित हो लोग कितने खुश हैं, उनकी खुशी जाहिर हो पाए या फिर उनको ये किराया वहन करने में कोई समस्या नहीं? बिल्कुल, देखिए मनीषा, लोगों में खुशी तो है क्योंकि वो बाहर देश में फंसे हुए थे और लगातार लोग वापस लौटना चाह रहे थे, अपने वतन की तरफ वापस आना चाहते थे। इसके चलते ही मोदी सरकार ने इस कदम को उठाया है। और साथ ही साथ आपको बताऊं, जो गल्फ देश में जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर भी चर्चा चल रही है और उसमें भारतीय नेवी से बात करी जा रही है और जहां तक अभी खबर है उसमें नेवी तैयार है, बस आदेशों का इंतजार कर रही है। और यदि गल्फ देश से भी लोग आते हैं तो उसमें किराया उनका 15,000 रुपए से अधिक बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर से जो लोग बाहर फंसे हुए थे, विदेशों में हुए थे, उनमें एक खुशी की लहर देखी जाएगी क्योंकि वतन वापसी होगी तो वतन आने के बाद उनमें एक अलग खुशी हो सकती है। जी बिल्कुल ऋषभ, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।